इस वेले की वड्डी खबर जो सिंगू के उपर ये वारदात हुई है। इस वारदात के बाद पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो कॉपी सामने आई है कि कुछ वो लिखा गया है। पुलिस वालों तुम दसागे कि सवेरे 5 बजे तो सूचना मिली सी पुलिस को, जिदे बाद पुलिस मौके पर पहुंची भी सी। जदों लाश को कब्जे च लैन गई पुलिस तो उत्थे हंगामा हो गया, विरोध किया गया। पुलिस तो उत्थे बड़े मुश्किल के नाल पुलिस ने सारियां नूं शांत कराया ते इसके बाद लाश को कब्जे दे विच लिया गया। उहदे बाद अणपछात्यां दे खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब दा रहण वाला सी लखबीर सिंह नाम है शख्स का, जिहदी बेरहमी दे नाल हत्या की गई, लहूलुहान किया गया, गुट वढ़ दिता गया, ते जो लत है वो उपर वार कर किए गए वह भी वड्डी गई। तो इस दे बाद शख्स ने दम तोड़ दिता ते फिर उसकी लाश को निहंगा ने सिंगू बॉर्डर के उपर इस तरीके दे नाल बैरीकेड दे नाल लटका दिता। तो हुण इस मामले दे विच जो अणपछात्यां दे खिलाफ FIR दर्ज की है हरियाणा पुलिस ने, तुहानू वह दिखाउण जा रहे हैं कि कुछ पुलिस ने उस FIR दे विच कहा जो इस मामले च दर्ज की गई है। तुहानू FIR दिखा रहे हैं कि किवें हरियाणा पुलिस ने अज यह मामला दर्ज किया है। 5 बजे पुलिस को सूचना मिली सी, जिदे बाद जो सिंगू कुंडली बॉर्डर है जिथे ये वारदात हुई है उत्थे पुलिस की टीम पहुंची ते इस दे बाद जांच शुरू कर दी गई है। मृतक का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है ते केड़े केड़े एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया तुहानू वह दसन जा रहे हैं। पंजाब का रहण वाला सी लखवीर सिंह जिसका कतल किया गया, तो कतल के जुर्म के FIR दर्ज की गई है अणपछात्यां के खिलाफ। हरियाणा पुलिस ने FIR दे विच की कुछ किया तुहानू FIR दिखा रहे हैं पूरी डिटेल। रिमांशु दसणगे कि किवें FIR दे विच हरियाणा पुलिस ने की लिखा। बिल्कुल, जिस तरह फस्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट क्योंकि पुलिस ने आप दर्ज की, तो जिहड़े मौके पर उत्थे ASI गए थे वो लिखते ने, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को मैं ASI बतौर ड्यूटी अफसर थाना कुंडली तैनात था। जो समय करीब 5 बजे सुबह थाना में इतला प्राप्त हुई कि किसान आंदोलन में निहंगों ने एक आदमी का हाथ काट दिया और उस आदमी को एक लोहे की बैरिकेड पर रस्सी के साथ बांधकर लटका रखा है। जिस इतला पर ASI हेड कांस्टेबल प्रदीप और जिहड़ी उन्होंने टीम उत्थे गई आंदोलन के बीच सिंगू बॉर्डर की तरफ रोड पर ही एक आदमी का हाथ कटकर उस आदमी को एक लोहे के बैरीकेड पर लटका कर रखा था। जो उन्होंने दसया गया सीगा वही उन्होंने बयान दर्ज कराया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। जो आसपास काफ़ी संख्या में निहंग सिख एकत्रित थे, जिनसे मैंने ASI ने पूछताछ करने की कोशिश की तो किसी ने भी पूछताछ के सहयोग नहीं किया और ना ही मृतक की लाश को उतारने दिया, जिसकी शिनाख्त भी की भी कोशिश की गई थी परंतु मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। जो नाम पता नामालूम व्यक्ति को उपरोक्त ने नाम पता नामालूम के हाथ व पैर काटकर हत्या की है। इस तरह का जो बयान जो हरियाणा पुलिस दे वल्लों दर्ज किया गया कुंडली थाना सोनीपत जिले के कुंडली थाना दे विच FIR दर्ज की गई है। हरमन, इस तो अलावा जो एक गल दसी गई हजे अणपछात्यां दे खिलाफ FIR दर्ज की गई, आरोपी नहीं फड़ाया बनाया गया पर 302 का मामला दर्ज कर लिया गया। यह वड्डी इहदे विच गल जिहड़ी है वो देखन नूं मिली है। और इस तो अलावा जो इन्होंने गल दसी है तरन तारण जिवें आपां दस ही रहे कि तरन तारण के रहन वाले ने लखबीर सिंह की बाद चो पहचान हुंदी है, शनाख्त हुंदी है। जो उन्होंने उन्हां दी लाश नूं ले जाया जांदा है पोस्टमार्टम हुंदा, उस तो बाद उन्होंने इलाज की शनाख्त हुंदी है, तो फिर ये FIR दर्ज हो चुकी है। 302 ते 308 का मामला जिहड़ा दर्ज हो चुका है। ये हुण लेटेस्ट इनफॉर्मेशन FIR नाल जुड़ी हुई है। हरमन, बिल्कुल, सो ये जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस ने की बयान किया, जो टीम गई थी जो ASI गए सन मौके के उपर, जिदे बाद उन्होंने फस्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट जो की है बनाई है दाखिल की है, उसके जो बयान ने पुलिस से कि असी गए जिवें सानू इतलाह मिली सी कि उत्थे हाथ पैर वढ़ के बंदा लटकाया होया है, जो असी गए तो मौत हो चुकी सी शख्स की, तो लोहे के बैरीकेड नाल लटकाया होया सी। जो असी उसे पहुंचे तो जो लोग उत्थे मौजूद सी निहंग सिंह ते कुछ लोग मौजूद सी, उन्होंने किसी ने भी पुलिस के नाल पुछगिछ दे विच सहयोग नहीं किया है। अणपछात्यां के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया है। जो लखबीर सिंह नाम का शख्स जिसकी हत्या की गई बेरहमी के नाल कतल कर दिता गया, उस कतल के मामले के FIR दर्ज की गई है। हरियाणा
पुलिस के वलों हरियाणा का जो सिंघू कुंडली बॉर्डर है उत्थे की पुलिस के वलों यह एफ आई आर दर्ज की गई है। तो की कुछ जो पुलिस की टीम ने दसिया तुहानू दिखा रहे हैं दस रहे हैं नाल कि एफ आई आर दे विच की कुछ लिखा होया है। लखबीर सिंह सी पुत्र हरनाम सिंह दसिया जा रहा है, जिला तरन तारण का रहन वाला पिंड चीमा दसिया जा रहा है। हालांकि पुष्टि हाले नहीं है एड्रैस की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इतों के पिंड चीमा का रहन वाला सी लखबीर सिंह, जिसका अज निहंग सिंह ने कतल कर दिता। इल्जाम लगाए कि इन्हें बेअदबी की, जे बेअदबी भी की तो उन्होंने पुलिस के हवाले कर दे, पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करती। पर निहंग सिंह ने उत्थे बेरहमी नाल पहला हाथ वड्या, लहू लुहाण किया शख्स नूं, जिन्हें कुछ देर दे बाद उसकी जान चले गई तो फिर उसकी लाश नूं बैरीकेड दे नाल बन के लटका दिता। तुहानूं तस्वीरां लगातार दिखा रहे हैं। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुसे नू मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।